हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उत्तर प्रदेश शैक्षिक विकास साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है ये 16 अगस्त 2020 को आयोजित किया जाएगा। यदि आप लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी के जो एडमिट कार्ड है वो आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम काफी कम है आपके पास, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप रिविजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी गाइस 1858 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य हिंदी संस्थान ये कहां पर है? राज्य हिंदी संस्थान, तो गाइज राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां पर है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये कहां पर है? ये है इलाहाबाद में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कुल 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है, आपको ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षा परिषद कहां पर स्थित है? संस्कृत शिक्षा परिषद ये कहां पर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है लखनऊ में। सातवां क्वेश्चन, उर्दू निदेशालय की स्थापना कहां की गई? उर्दू निदेशालय की स्थापना कहां पर की गई? तो गाइज उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई लखनऊ में, आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया सन 1972 में। नवा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? तो गाइज ये लागू किया गया 2011 से। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? राज्य शिक्षक पुरस्कार ये कब से दिए जा रहे हैं? तो ये पुरस्कार सन 1984 से दिए जा रहे हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? अनौपचारिक शिक्षा योजना ये कब से चलाई जा रही है? तो गाइज ये चलाई जा रही है सन 1975 से। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। 13वां क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? 65:35 में बहन करती है। 14वां क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? तो देखिए 5 से 8, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया है। 16वां क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? तो मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में सन 1995 से लागू की गई। 17वां क्वेश्चन देखिए, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच की जाती है? बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में, तो ये की जाती है 6 माह, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? किस योजना के तहत ग्राम पंचायत और स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? साक्षर भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन ये कब किया गया? तो ये किया गया सन 1972 में। 20वां क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन ये कब किया गया? ये किया गया सन 1982 में। अगला क्वेश्चन, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना सन 2008 में की गई। अगला क्वेश्चन, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? तो गाइस, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात कितना है? कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र और राज्य सरकार का व्यय अनुपात कितना है? 75:25। 24वां क्वेश्चन, प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना से प्रारंभ हुई? प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना में प्रारंभ हुई? तो प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना 11वीं योजना से प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, आईसीटी योजना का संबंध है, तो आईसीटी योजना का संबंध किससे है? तो गाइज, आईसीटी योजना का संबंध है संचार से, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां, पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? पत्राचार शिक्षा संस्थान, तो पत्राचार शिक्षा संस्थान ये कहाँ पर है? ये है इलाहाबाद में, आपको ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27वां क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? तो व्यावसायिक शिक्षा योजना ये कब से संचालित है? ये संचालित है सन 1989 से 1990। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना ये कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया सन 2009 में। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? तो मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया जो भोजन है ये दिया जाने लगा सन 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? कुल 5 विश्वविद्यालय थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गाइस, इसकी स्थापना की गई इलाहाबाद में। 32वां क्वेश्चन, सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? ये दिया जाता है उच्च। देखिए, इस प्रकार के आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूची एक सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर आपका जो है, आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? फैजाबाद का मिलान नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से हो जाएगा। आगरा का मिलान दयाल बाग शिक्षा संस्थान से हो जाएगा। मेरठ का मिलान वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से हो जाएगा। बरेली का मिलान पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। देखिए, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। कैसे? वाराणसी का मिलान संपूर्णानंदा संस्कृत विश्वविद्यालय से हो जाएगा। ओके, आगरा का मिलान केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल से हो जाएगा। और लखनऊ का मिलान डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय से हो जाएगा। मेरठ का मिलान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 14। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? आगरा में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्रावधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं?
वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 11 है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब की गई? तो ये की गई सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेक्टर बनाया है? किसे बनाया है? आईआईटी कानपुर को बनाया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं? राज्य में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं? 267। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन ये कब किया गया? ये किया गया सन 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई 1989 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है कानपुर में। अगला क्वेश्चन, कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बांदा में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरठ में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं? प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं? 8, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये थे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है ये 16 अगस्त 2020 को आयोजित किया जाएगा। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का डी चौथा वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, लखनऊ, ये सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।